गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चालू हो चुका है और सावन के महीने के अंदर महाकाल के जो चाहने वाले हैं, महाकाल के जो भक्त हैं, वो आते हैं उज्जैन। और उज्जैन आते हैं तो सबसे बड़ी दुविधा होती है यार कि हमें रूम्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं और जो होटल्स वगैरह है जो काफ़ी महंगी होती है। तो कहाँ रुके वो सारी जानकारी मैं दूंगा। चाहे आप सीज़न में आइए, चाहे ऑफ सीज़न आइए, आपको जो रूम मिलेंगे वो काफ़ी सस्ते में मिलने वाले हैं। तो ये धर्मशाला है 24 खंभे मार्ग पर, दुग्गढ़ धर्मशाला इसका नाम है। और इसके अंदर जो रूम्स है ना वो आपको काफ़ी सस्ते मिलने वाले हैं। और जहाँ पे रूम्स मिलते हैं ना, 5 बेड का अगर रूम लेते हैं तो 1100 रुपये का है, और 4 बेड का लेते हैं तो 1000 रुपये है, और देखो नॉन अटैच वाला लेट बाथ वाला लेते हैं तो आपको 400 रुपये मिल जाता है। डबल बेड का विथ अटैच 800 रुपये का मिल जाता है। चेकआउट टाइमिंग यहाँ का 10 बजे का है। और ये यहाँ का रिसेप्शन है जहाँ से आप आपकी एंट्री करवा सकते हो। एंट्री करवाने के बाद आप रूम की की लेके चेक इन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एसी रूम भी मिल जाते हैं। ये जो 4 बेड का रूम है, यहाँ पे 4 बेड के आप 5 बेड के रूम्स, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रूम्स मिल जाते हैं। टीवी ऐसे मिलती है, एसी है। एसी का क्या होता है, यहाँ पे 300 रुपये अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। पूरी मैं आपको डिटेल्स दूंगा। मिरर भी लग रखा है, और जो यहाँ का बाथरूम है, बाथरूम भी आपको यहाँ पे क्लीन मिलेगा। तो सबसे सस्ते में उज्जैन के अंदर अगर आप रुकना चाहते हो तो ये धर्मशाला आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। ये सारे रूम्स है अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें डबल ऑक्यूपेंसी का भी है। अगर आप चाहते हैं सिंगल रूम जिसके अंदर लेट बाथ अटैच नहीं हो, तो वो रूम आपको मात्र 400 रुपये में यहाँ पे मिल जाएगा। डबल बेड का यहाँ पे 800 रुपये है, जिसमें आपको लेट बाथ अटैच मिलता है। और ये है यहाँ की पार्किंग जो अभी आप सामने देख रहे हैं। इसी के पास में है एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप थाली सिस्टम से भी खाना खा सकते हैं। हर रूम में आपको एसी मिलेगी, एसी आप चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। गीज़र फैसिलिटीज़ भी है हर रूम में, टीवी आपको मिलती है। तो ये मैं आपको दूसरा रूम बता रहा हूँ, ये इसका बाथरूम है। ये भी 4 बेड का है, आराम से 5-6 लोग इसमें भी ठहर सकते हैं। एक आपको सोफा सेट में मिलता है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और स्पेस आपको और कोई धर्मशाला में इतना नहीं मिलेगा जितना इस धर्मशाला में आपको स्पेस मिल रहा है। दुग्गढ़ धर्मशाला इसका नाम है। कॉमन बाथरूम भी इसके अंदर बने हैं। ये एक और रूम मैं आपको बता रहा हूँ, ये डबल बेड का है, और इसका भी जो चार्ज है वो 800 रुपये है। डबल बेड का 800 रुपये है, विदाउट लेट बाथ अटैच लेंगे तो उसका है 400 रुपये। ये 3 बेड का रूम है, 3 बेड का यहाँ पे जो चार्ज है वो लगभग 1000 रुपये चार्ज है। गाइज देखो, आपको विदाउट लेट बाथ अटैच वाला रूम चाहिए तो ये रूम जो है वो 400 रुपये का है। 2 लोग इसके अंदर भी रुक सकते हैं। इसमें जो बाथरूम होते हैं वो कॉमन होते हैं, और कॉमन बाथरूम बन रखे हैं आगे जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ बन रखे हैं कॉमन बाथरूम। 400 रुपये से रूम्स स्टार्ट हो जाते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी पे, यानी कि 2 लोग रुक सकते हैं। और जो ये धर्मशाला है इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे है मंदिर। मंदिर के बिल्कुल पास में दुग्गढ़ धर्मशाला है, 24 खंभा मार्ग पे ये स्थित है धर्मशाला। जब भी आप आ रहे हैं ऑन कॉल बुकिंग करा सकते हैं। मैं सारी आपको डिटेल्स दूंगा कैसे आप बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए ऑन कॉल आप बुकिंग करवा लें, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस, ये है हमारा रूम, ये हमने लिया था। नीरज भैया रेडी हो चुके हैं, अभी हम मंदिर जा रहे हैं। तो ये हमारा रूम है, डबल ऑक्यूपेंसी पे हमने लिया, डबल बेड का। हमारे जो लेट बाथ है वो दोनों अलग अलग है, अटैच ही है इसके अंदर। ये 800 रुपये इसका किराया है एक दिन का। और यहाँ पे जो चेकआउट टाइम होता है वो 10 बजे का होता है, और आपको जो रूम्स मिलते हैं वो 11 बजे बाद ही अलॉट किए जाते हैं। दुग्गढ़ यात्री धर्मशाला आने के लिए आपको ये बुकिंग नंबर है, इस पर बुकिंग कराना पड़ेगा। 24 खंभा मार्ग पर ये उज्जैन पर, रेलवे स्टेशन से जैसे आप उतरेंगे ना तो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो कि 50 रुपये में आपको दुग्गढ़ यात्री धर्मशाला छोड़ देते हैं। ये रिसेप्शन है, यहाँ पे आके आप बुकिंग करवा सकते हैं। भाई देखो, जो भी लोग आ रहे हैं महाकाल दर्शन करने के लिए, तो सबसे अच्छी फैसिलिटी खाने की है दुग्गढ़ धर्मशाला के पास में, श्री बड़ा गणेश भोजनालय। तो गाइस, यहाँ पे जो थाली सिस्टम है वो अलग अलग प्रकार से है। स्पेशल अगर आप थाली लेते हैं तो मात्र 100 रुपीज़ की मिलती है, सुपर स्पेशल थाली लेते हैं तो 120 रुपये की। और यहाँ पे देखो, यहाँ ये इतना फेमस है, यहाँ की भीड़ देखो आप कितनी भीड़ है, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये दुग्गढ़ धर्मशाला के बिल्कुल पास में है। तो ये थाली सिस्टम है, यहाँ पे गर्मा गर्म बनता रहता है और आपको सर्व किया जाता है।
गाइस थाली कुछ इस प्रकार से तैयार की जाती है, पे एक साथ कम से कम 5 से 10 थाली एक साथ तैयार की जाती है। गाइस हमारी थाली आ चुकी है, इसके अंदर मटर पनीर की सब्जी, दाल है, कढ़ी है, ये पापड़ है, राइस है और अचार है, और ये सब्जी सोयाबीन की है, ये है पनीर की, और 4 रोटी है। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है, खाना अच्छा था, यहाँ पे आप ज़रूर खाइएगा खाना। तो ये हमने आपको धर्मशाला भी दिखा दी और खाना कहाँ पे खाना वो दोनों चीज़ें दिखा दी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।